नमस्कार दोस्तों, पंचऋषि क्लासेस में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज में हमने अब तक कई सारे अपने लेक्चर, कई सारी वीडियोस को अपलोड किया, कई सारे लेक्चर्स की तैयारी की है, जिसमें हमने पूरा इतिहास पढ़ा है कि किस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ, डिफरेंट जो यहाँ पर मिशन आए थे, कैबिनेट मिशन वगैरह, सर अगस्त प्रस्ताव, सबका हमने अध्ययन कर चुके हैं। हम अध्ययन कर चुके हैं प्रस्तावना का, हम अध्ययन कर चुके हैं भाग एक का, जो संघ उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, आर्टिकल एक से लेकर चार तक। हम भाग दो, पांच से लेकर ग्यारह तक नागरिकता संबंधित अपने जो पूरा वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। भाग तीन जो मौलिक अधिकार है, 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक उसका अध्ययन कर चुके हैं। 36 से 51 तक हम भाग चार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। भाग चार का यानी कि अनुच्छेद 51 का फंडामेंटल ड्यूटीज की हम अध्ययन कर चुके हैं। इसी क्रम में आज हम भाग पांच का अध्ययन करना शुरू करेंगे। भाग पांच जो आपका अनुच्छेद है, ये लगभग 52 से लेकर 151 तक है, और इस पूरे इस अध्याय में, भाग पांच में, हम संघ के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि जो भाग पांच है हमारा, वो है संघ, यानी कि द यूनियन, द यूनियन। और इसके अंतर्गत हम जितने भी संघ से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, जिनमें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, मंत्री परिषद है, केंद्र की प्रधानमंत्री है, महान्यायवादी है, इन सब का अध्ययन करेंगे। आज हमारी चर्चा का विषय राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है कि किस प्रकार भारत का जो सर्वोपरि एक पद है, सबसे महान पद है, उसका निर्वाचन होता कैसे है, या कौन व्यक्ति निर्वाचित होता है राष्ट्रपति के लिए और किस प्रकार होता है, इसका हम पूरा आज अध्ययन करेंगे, इस बात पर विचार विमर्श करेंगे। भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्र प्रमुख होता है। जब संविधान सभा के सभी सदस्य बैठे हुए थे और उनके बीच में यह मंत्रणा चल रही थी, ये विचार रखा जा रहा था कि भारत का राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए, दो मॉडल हमारे सामने थे, एक ब्रिटेन का मॉडल, दूसरा अमेरिका का मॉडल। जहां हम देखते हैं एक तरफ कि अमेरिका के मॉडल में राष्ट्रपति, वहां पर एक सर्वशक्तिमान शक्ति होती है, और ब्रिटेन का मॉडल अगर हम देखें तो वहां पर वो वंशानुगत होता है और सिर्फ हस्ताक्षर करने के लिए होता है। वहां पर राष्ट्रपति के पास कोई भी पावर नहीं होती है, वहां पर पूरी तरह वह मंत्री पर निर्भर होता है, और अगर मंत्री जो भी ड्राफ्ट तैयार करेगा उस ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करना बाकी जो राष्ट्रपति होगा या वहां पर जो राजा होगा उसकी मजबूरी हो जाती है, वह साइन करेगा ही करेगा, ना तो वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और ना ही उसको अपने पास किसी वीटो पावर के तहत रख सकता है, उसे साइन करना ही पड़ेगा। तो क्या हम ब्रिटेन के राष्ट्रपति यानी कि जो वहां का राष्ट्र प्रमुख होता है उसकी तरह पावर देना चाहते हैं या अमेरिका की तरह? बहुत सारे विचार विमर्श करने के बाद हमने ब्रिटेन मॉडल को फॉलो किया, हालांकि थोड़ा सा उससे हमने चेंजेस करा। वहां पर राष्ट्र प्रमुख का पद वंशानुगत होता है, राजा महाराजा का होता है, एक परिवार के मेंबर्स राष्ट्र प्रमुख बनते हैं। हमने उससे थोड़ा सा अलग किया, हमने राष्ट्र प्रमुख का पद निर्वाचित पद रखा, निर्वाचन द्वारा रखा, ना कि वंशानुगत रखा। लोकतांत्रिक तरीके से हमने उस राष्ट्र प्रमुख के पद को चुनने योग्य बनाया, तो राष्ट्रपति का पद बनाया गया। और उस राष्ट्रपति के पद के लिए कौन कौन व्यक्ति जिम्मेदार होगा, कौन कौन व्यक्ति योग्य होगा, उसके लिए हमने पूरा एक अध्याय पांच में डिटेल में उसको समझाया है। तो हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति का किस प्रकार से निर्वाचन होगा। चलिए, सबसे पहले अगर हम किसी भी पोस्ट के लिए
एक फॉर्म फिल करवाते हैं तो कुछ योग्यताएं कुछ क्वालिफिकेशंस पहले से डिफाइन होती है, वही राष्ट्रपति पद के लिए नहीं है। राष्ट्रपति पद के लिए कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं जिसको पूरा करना, फुलफिल करने वाला व्यक्ति ही उस फॉर्म को भर सकता है। अनुच्छेद 58 उन सारी योग्यताओं के बारे में बताता है। चलिए पढ़ते हैं अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 उन सारी योग्यताओं के बारे में बताता है जो एक राष्ट्र के प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए जरूरी होता है। पढ़ते हैं। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जो व्यक्ति भी राष्ट्रपति पद के लिए फॉर्म भरेगा उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। अब इस जगह प्रश्न आपका यह बन सकता है कि मूल रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए या कोई भी व्यक्ति जिसने भारत की नागरिकता भी स्वीकार कर ली हो, चाहे वह भले ही विदेशी हो, क्या वह राष्ट्रपति पद का फॉर्म भर सकता है? जी बिल्कुल। संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वह मूल रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए। संविधान कहता है कि जिस वक्त वो फॉर्म भर रहा हो उस वक्त वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उससे पहले वो क्या था? उसकी माता विदेशी थी, उसका पिता विदेशी था, वो खुद विदेशी था, खुद एनआरआई था, क्या था और किस प्रकार वह नागरिकता लेगा, इसका तो हम अध्याय 2 में अध्ययन कर चुके हैं, भाग 2 में अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन जिस वक्त वो फॉर्म भर रहा होगा उस वक्त उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, प्रथम शर्त है और इस शर्त को पूरा करना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है वह 35 वर्ष का हो चुका हो। यानी कि जो व्यक्ति फॉर्म भरेगा उसकी उम्र, उसकी एज 35 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए, 35 साल या 35 साल से ज्यादा। मिनिमम 35 ईयर्स है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। संविधान अधिकतम उम्र की कोई बाउंडेशन नहीं लगाता है, मिनिमम उम्र यानी कि मिनिमम एज 35 ईयर्स की बाउंडेशन लगाता है, लेकिन मैक्सिमम कितनी होगी यह संविधान कुछ नहीं कहता, कितना भी हो सकता है, मिनिमम 35 ईयर्स। तीसरी शर्त वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह क्या लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता? देखिए इस चीज के अंदर कई सारी चीज हिडन छुपी हुई है और छुपाया भी जानबूझ कर है। देखिए राष्ट्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति और उसके पद की अगर क्वालिफिकेशन से लिख रहे हैं तो कई सारी छोटी छोटी बातों को जानबूझ कर छुपाया गया है और छुपाना भी चाहिए क्योंकि हमारे देश की इज्जत की बात है। जैसे उन्होंने एक लाइन लिख दिया कि उस व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए। अगर हम लोकसभा का सदस्य बनने की यानी कि एमपी के लिए अगर क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें विस्तार से हैं। जैसे वे व्यक्ति दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह किसी केस में 3 साल से सजा नहीं, ज्यादा सजा नहीं लेनी चाहिए, वह शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए, वह मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए आदि आदि। इस प्रकार से बहुत सारी उसमें क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। लेकिन जब हम राष्ट्रपति पद की बात कर रहे हैं, गरिमा पूर्ण पद की बात कर रहे हैं, अगर विदेशी भी पढ़ेगा तो वो हंसेगा, बताइए कि क्या किसी पागल को ये राष्ट्रपति बना देंगे, तो उन बातों को छुपाया गया है
और एक भाषा में लिख दिया गया है कि वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सही किया है। हम भी अपने घर में अगर कोई व्यक्ति गलत है तो हम दूसरे को हिंट में समझाते हैं कि भाई इससे करने से रोकिए। हम लोग सामने खुलकर नहीं बोलते कि हमारा लड़का पागल है। हम अपने घर के बाद दबाते हैं। बिल्कुल सही किया। यहाँ पर उन्होंने एक लाइन लिख दिया कि वह व्यक्ति जो भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की चाह रखता हो वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता। चलिए अगला। वह किसी लाभ के पद पर ना हो, के पद पर ना हो, यानी कि जिस वक्त वो फॉर्म भर रहा हो उस वक्त वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न बन सकता है यहां पर आप कि लाभ का पद है क्या, कौन सा पद लाभ का है। तो संविधान ने कहीं पर भी इस बात का वर्णन नहीं किया है कि लाभ का पद है क्या, लेकिन अनुच्छेद 58 इस चीज को कहता है कि देश का राष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, संघ के मंत्री और राज्यों के मंत्री, इन पदों पर अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ के मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्री, अगर इन पदों पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यानी कि इन पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति बिना त्याग पत्र दिए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। जो वर्तमान के हमारे राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, वह राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। उनसे पहले प्रणब मुखर्जी यूपीए गवर्नमेंट में वित्त मंत्री थे, लेकिन इन दोनों लोगों ने तो खैर अपने पद से त्याग पत्र दिया और उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। लेकिन अगर ये लोग ना चाहते त्याग पत्र देना भी, तब भी यह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि राज्यपाल और संघ का मंत्री होना लाभ का पद नहीं है। तो अनुच्छेद 58 हमें यह बताता है कि कौन कौन से पद लाभ के पद नहीं है। लेकिन अगर हम सीधी सीधी भाषा में कहें कि लाभ का पद कौन सा होगा, तो लाभ का पद वह होगा जिस पद पर बैठने पर हम गवर्नमेंट से सैलरी लेते हैं, हम गवर्नमेंट से किसी प्रकार की सुविधाएं लेते हैं, या हम सैलरी और सुविधाएं ना भी लेते हैं लेकिन धन का आवंटन हमारे हाथ में है। जैसे मान लीजिए समाज कल्याण विभाग का अधिकारी हो गया, या किसी प्रकार की कोई किसी प्रकार का कर देना हो गया, लघु सूक्ष्म मंत्रालय में बहुत सारी पद ऐसे होते हैं, तो उस पद पर भी कोई बैठा हुआ व्यक्ति है तो वे लाभ का पद कहलाएगा। लेकिन मैंने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, संघ के मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्री, इन पदों पर बैठे हुए व्यक्ति लाभ के पद वाले व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। तो ये कुछ योग्यताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। और देखेंगे कि कौन व्यक्ति इनको वोट डालता है, कैसे इनका निर्वाचन होता है। तो अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल की घोषणा करता है, बताता है कि कौन कौन व्यक्ति निर्वाचक मंडल में शामिल होगा। देखिए निर्वाचक मंडल को समझने से पहले हम ये समझ लें कि चुनाव होते कितने प्रकार के हैं। देखिए भारत में अगर हम बात करें तो भारत में दो प्रकार के चुनावों की पद्धति है, एक प्रत्यक्ष चुनाव, एक अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव वो चुनाव होते हैं जिसमें सीधे जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जिसमें जनता वोट डालती है। जैसे एमएलए का इलेक्शन होता है स्टेट के लिए, और एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद चुने जाते हैं संसद के लिए, उनका चुनाव सीधे जनता करती है। लेकिन जिन चुनावों में जनता सीधे सहभागिता नहीं दिखाती उन सारे चुनावों को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन हुआ, विधान परिषद के मेंबर्स का इलेक्शन हुआ, जिला पंचायत अध्यक्ष का इलेक्शन हुआ, इसमें सीधे जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है।
बल्कि एमएलएस का इलेक्शन होगा, एमपीस का इलेक्शन होगा, लोकल इलेक्शन होते हैं नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम के प्रधान के। इसमें क्या होता है, सीधे जनता पार्टिसिपेट करती है, अपना वोट डालती है और उसके प्रतिनिधि इलेक्ट होते हैं। तो इस प्रकार के जो चुनाव होता है उसे प्रत्यक्ष मतदान कहते हैं, जनता सीधे मतदान करती है, और अप्रत्यक्ष मतदान वो होता है जिसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। और जो जो चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है उस उन सारे चुनावों के लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। तो अनुच्छेद 54 हमें उसी प्रकार के निर्वाचक मंडल के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव जो कि एक अप्रत्यक्ष चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष चुनाव है, उनको चुनने के लिए हमें एक निर्वाचक मंडल बनाना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर काउंटर क्वेश्चन आपसे पूछूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है, जवाब दीजिए, सोचिए। देखिए लगता है ऐसा है हमें कि बाकी जनता सीधे वोट डाल देंगे ट्रंप साहब के लिए या ओबामा साहब के लिए, लेकिन वहां के राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। प्रतिनिधि चुने जाते हैं हर स्टेट से और वो प्रतिनिधि बाद में राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो वहां पर भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और हमारे यहां भी जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष चुनाव है, अप्रत्यक्ष चुनाव। और जहां अप्रत्यक्ष चुनाव होगा वहां एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा जो कि वहां के उस राष्ट्रपति के चुनाव को आगे की तरफ बढ़ाएगा या चुनेगा राष्ट्रपति के लिए। तो यहां के निर्वाचक मंडल में देखते हैं हम लोग कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से मेंबर होंगे। तो निर्वाचक मंडल के बारे में जानकारी देता है हमें अनुच्छेद 54 क्या कहता है, कौन कौन सदस्य शामिल होगा। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। देखिए इसमें बोला गया है कि दोनों सदनों की यानी कि अपर हाउस या लोअर हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य। इन्होंने निर्वाचित सदस्य शब्द का वर्णन किया है, मनोनीत नहीं कहा। आपको इस जगह से प्रश्न बन कर आएगा कि मनोनीत सदस्य क्यों राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, मनोनीत सदस्य वो सदस्य होते हैं जिनको मनोनीत राष्ट्रपति ही करता है और यहां राष्ट्रपति का ही इलेक्शन हो रहा है तो वो यहां पर बेनिफिट ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि वही नियोक्ता है और उसका इलेक्शन वह व्यक्ति कैसे कर सकता है, कैसे उसी व्यक्ति को वो इलेक्ट कर सकता है जिसको राष्ट्रपति ने ही चुना है। इसलिए दोनों सदनों के जो भी आपके मनोनीत सदस्य होंगे वे राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं होंगे। कितने मेंबर्स होंगे, देखिए हमारी लोकसभा में 545 मेंबर है, 545। इसमें से 543 आपके निर्वाचित होते हैं और दो आपके मनोनीत होते हैं। तो पार्टिसिपेट कितने लोग करेंगे, 543। जो दो लोग मनोनीत है ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये बात तो रही आपकी लोकसभा की, और दूसरा सदन जो अपर हाउस है यानी कि राज्यसभा, उसकी स्थिति देख लेते हैं हम लोग। राज्यसभा में है आपके 245 मेंबर्स, 245, और 245 में से 233 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। 233 निर्वाचित, 12 मनोनीत, तो कुल प्रकार जो निर्वाचित है वो 233 राज्यसभा के और 543 लोकसभा के, और दोनों मिला दिए जाए तो ये बन जाएगा आपका 776 यानी कि 776 मेंबर लोकसभा और राज्यसभा के मिलकर यानी कि संसद के 776 मेंबर
मिलकर राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। 13 प्रकार के लोग हैं। दूसरे प्रकार के लोग में कौन कौन सम्मिलित होगा? सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभा जितने भी राज्य हमारे यहां 29 राज्य हैं, 29 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, कितने राज्य हमारे यहां 29 राज्य, 29 राज्यों के की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब यहां पर आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि यहां पर मनोनीत सदस्य क्यों नहीं, जबकि यहां तो डायरेक्ट राष्ट्रपति का इंटरफेयर नहीं, यहां तो राज्यपाल चुनता है। यही प्रश्न है, क्योंकि राज्यपाल मनोनीत करता है विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य है उसके लिए। एक एंग्लो इंडियन के लिए सीट रखी जाती है और वो एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करता है अगर आवश्यकता महसूस होती है तो। लेकिन राज्यपाल को कौन बनाता है? राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति राज्यपाल, राज्यपाल मनोनीत को, यानी कि सीरीज में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का रोल है। इसलिए राष्ट्रपति के रोल की वजह से उस विधानसभा के मनोनीत मेंबर को भी वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य क्यों नहीं लिए? क्या कारण है कि विधान परिषद को नहीं लिया? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में सिर्फ 7 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद है, बाकी के 22 राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो ये सिमिलरिटी के रूल को फॉलो नहीं करता है। समानता के जो कानून है, नेचुरल जस्टिस का जो कानून है, उसको ये फॉलो नहीं करता है कि एक राज्य का तो सिर्फ विधानसभा क्या है और बाकी दूसरे राज्य का विधानसभा प्लस विधान परिषद के मेंबर आए। इसलिए विधान परिषद सभी राज्यों में ना होने की वजह से विधान परिषद को उसके मेंबर्स को इसमें पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता, सिर्फ सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है। 29 राज्य, 29 राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स के। तीसरा, दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित राज्यों के केंद्र शासित राज्यों के विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, वो भी इसमें भाग लेंगे। हालांकि ये पहले रूल नहीं था और ये रूल जो शामिल किया गया 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इनको वोट डालने का अधिकार दिया गया। उससे पहले दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स के लिए वोट डालने का अधिकार नहीं था। यानी दिल्ली नहीं था उससे पहले, दिल्ली को अधिकार नहीं था, दिल्ली में विधानसभा ही नहीं थी उससे पहले, 1992 से विधानसभा शुरू हुई है वहां पर। तो तभी से 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए और पुदुचेरी की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स राष्ट्रपति चुनाव में अपनी सहभागिता देते हैं। तो यह पूरा इलेक्टोरियल बोर्ड है हमारा, निर्वाचक मंडल है, जो राष्ट्रपति चुनाव में अपनी भूमिका अदा करता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि कैसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोई व्यक्ति कैसे अपना फॉर्म भरता है और किन किन चीजों की आवश्यकता होती है वो पढ़ लेते हैं। प्रोसीजर, प्रक्रिया क्या है राष्ट्रपति चुनाव की,
और ये प्रक्रिया का वर्णन है यह अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 55 में इस प्रक्रिया का यानी कि राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। समझते हैं कि किस प्रकार वह व्यक्ति अपना फॉर्म भर पाएगा। यहां शर्तें हमने पढ़ी कि क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, उस व्यक्ति ने सारी शर्तें अपनी फुलफिल कर रहा है और वो एक फॉर्म ले लेता है, राष्ट्रपति चुनाव में फॉर्म ले लेता है। अब जब उसने फॉर्म ले लिया तो एक चीज और बता दूं मैं आपको, राष्ट्रपति चुनाव के लिए हालांकि आर्टिकल 55 में उसका प्रोसीजर है, लेकिन आर्टिकल 71 संसद को यह अनुमति देता है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या किसी भी प्रकार के चुनाव के लिए नियमावली बना सकता है। और उस आर्टिकल को फॉलो करते हुए 1952 में प्रेसिडेंशियल एक्ट बनाया गया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली बनाई गई 1952 में। और उस नियमावली के तहत यह शर्त रखी गई कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहता है उसे दो प्रस्तावक और दो अनुमोदक चाहिए। दो व्यक्ति, कौन से दो व्यक्ति? इलेक्टोरियल बोर्ड के जो निर्वाचक मंडल में शामिल है उनमें से कोई दो व्यक्ति, चाहे वो सांसद हो सकते हैं चाहे किसी भी राज्य के एमएलए हो सकते हैं, दो व्यक्ति हमें प्रस्तावक चाहिए और दो व्यक्ति अनुमोदक चाहिए। और अगर वो लोग साइन कर देंगे तो वह व्यक्ति अपना फॉर्म भर सकता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। और लोगों ने जब 1952 में इस कानून को बनाया गया कि दो प्रस्तावक को दो अनुमोदक चाहिए, तरह तरह खूब फॉर्म भरे लोगों ने, क्योंकि दो एमपी या एमएलए के साइन कराना बहुत इजी काम था, वो मुश्किल काम नहीं था, और खूब फॉर्म भरे गए। एक चुनाव में तो 37 फॉर्म भरे गए थे, 37 फॉर्म भरे गए थे। एक हरि राम नाम के एक आदमी थे जिन्होंने शुरू के लगातार सभी राष्ट्रपति चुनाव में फॉर्म भरे और हालांकि हर चुनाव हारे। तो लोगों ने इस चीज को महसूस किया कि इसका मिसयूज हो रहा है, लोग अपने पॉपुलैरिटी गेन करने के चक्कर में इस राष्ट्रपति चुनाव जैसे गरिमामयी पोस्ट की को भिंडी बाजार बना दे रहे हैं। वहां जो लोग सिंसियर भी नहीं है, लोग बिल्कुल अपने आप को योग्य भी नहीं समझते और योग्य है भी नहीं, वो लोग चार लोगों के साइन कराकर, दो अनुमोदक और दो प्रस्तावक, चार लोगों के साइन कराकर एक फॉर्म भर दे रहे हैं। तो क्या हुआ, इससे राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचने लगी, एक महत्वपूर्ण चुनाव को ठेस पहुंचने लगी। इस बात को समझते हुए 1997 में, हालांकि 1977 में भी चेंज हुए थे इस प्रेसिडेंशियल एक्ट में, लेकिन 1997 में 1977 में, इससे पहले 1977 में जो चेंजेस हुए वो कहा गया कि आप 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक लेकर आइएगा, यानी कि कुल मिलाकर 20 लोगों की आपको आवश्यकता है, 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक, 20 लोगों की आपको आवश्यकता है, और ये 20 लोग अगर साइन कर देंगे तो आप 2500 रुपए जमा कीजिएगा, 2500 रुपए जमा कीजिएगा और आप अप्लाई कर देगा राष्ट्रपति चुनाव के लिए। 1977 में प्रेसिडेंशियल एक्ट में ये चेंजेस किए गए, लोगों ने 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक भी इकट्ठे करने शुरू कर दिए। 2500 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं थी, एक व्यक्ति थे धरती पकड़, उन्होंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है, सबसे ज्यादा चुनाव हारने का, प्रधान के चुनाव से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव, सब चुनाव लड़े उन्होंने और हर चुनाव हारे, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके पास सबसे ज्यादा चुनाव हारने का। उन जैसे लोगों ने इस गरिमा को फिर से ठेस पहुंचानी शुरू कर दी। 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक 1977 के जो संशोधन किया गया उसमें 2500 रुपए जमा करकर आप एप्लीकेशन भर सकते हैं, इसका भी मिसयूज हुआ। इसको भी चेंज कर 1997 में 1997 में आपको 50 प्रस्तावक और 50
अनुमोदक की आवश्यकता पड़ने लगी। और रुपए जमा करवाए 15,000, 15,000 रुपए आप जमा कीजिएगा, 50 प्रस्ताव के लिए ले आइएगा, 50 अनुमोदक ले आइएगा, यानी कुल मिलाकर 100 लोग, 100 पीपल्स, 100 कौन से पीपल, हम और आप नहीं, 100 वो लोग जो इनके निर्वाचक मंडल में शामिल है, या तो एमपी या फिर एमएलए, उन 100 लोगों को निकालिए अलग अलग, 50 प्रस्ताव का अलग, 50 अनुमोदक अलग, ये नहीं कि वही प्रस्तावक हो वही अनुमोदक हो, ना, 50 अलग और 50 प्रस्तावक अलग, 50 अनुमोदक अलग, 50-50 अलग अलग। अब और 15,000 रुपये आप जमा कीजिएगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। क्या लोगों ने 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक ले आए और 15,000 रुपये जमा किए और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, अब फॉर्म अप्लाई हो गया, वोट डालेंगे कौन, एमएलए डालेंगे वोट और वोट डालेंगे एमपीज। अब जो एमएलए वोट डालेंगे उनके एक वोट की कीमत कितनी होगी उसको तय करना था कि एक एमएलए के एक वोट की कीमत कितनी है। तो इसको हमने एक फॉर्मूला बनाया कि एक एमएलए के एक वोट की कितनी कीमत होगी, और फॉर्मूला बहुत आसान है, उस राज्य की, जिस राज्य का वह एमएलए है उस राज्य की जनसंख्या को डिवाइड कर दिया उस राज्य की विधानसभा में जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी संख्या से, निर्वाचित जो भी मेंबर हैं उनकी संख्या से उसको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड कर दिया बाद में 1,000 से, क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी आ रही थी इसलिए 1,000 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया वो उस राज्य के एक एमएलए के एक वोट की कीमत थी। चलिए देखते हैं क्या फॉर्मूला था। एक एमएलए के एक वोट की कीमत, एक वोट की वैल्यू, एक एमएलए के एक वोट की कितनी वैल्यू थी वो हम देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, उस राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाई उस राज्य के निर्वाचित सदस्यों की संख्या और जो ये कैलकुलेशन होगी उस राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाय उस राज्य के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, इस पूरी को हम फिर से डिवाइड कर देंगे 1,000 से, 1,000 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, जो वैल्यू आएगी वो उस राज्य के एक एमएलए की एक वोट की वैल्यू निकल कर आएगी। और अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो हम देखते हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के हैं, यूपी के एक एमएलए के एक वोट की कीमत 208 है, 208 है यूपी के एक एमएलए की एक वोट की कीमत। सबसे कम किसकी है, सबसे कम सिक्किम की है, 7। पूछे नंबर 2 पर किसकी है, तो झारखंड और तमिलनाडु है, तमिलनाडु और झारखंड। बिहार एक कम है 175, अरुणाचल प्रदेश की 8 है 8। तो इस तरह विभिन्न राज्यों की अलग अलग एमएलए के मत की वैल्यू है। अब प्रश्न आता है कि इसमें जो ऊपर की तरफ है कि उस राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या, अब कौन सी जनसंख्या ली जाए, तो जनसंख्या यह था कि जो लेटेस्ट जनसंख्या काउंट हुई हो वो ले ली जाए। 1952 में पहली बार इलेक्शन हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसमें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, 1951 की जनसंख्या हुई थी ले ली। उसके बाद 57 में हुए, 62 में जब इलेक्शन हुए तो 61 वाली जनसंख्या ले ली, जब 72 में हुए तो 71 वाली जनसंख्या ले ली, जब 77 में हुए तब भी 71 वाली जनसंख्या ले ली, लेकिन जब 82 वाले इलेक्शन हुए राष्ट्रपति चुनाव के, तब वहां पर एक प्रॉब्लम होने लगी।
प्रॉब्लम हो ये होने लगी क्योंकि 1971 में जनसंख्या में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। भारत पहला एक ऐसा राष्ट्र है, पहला राष्ट्र है, मैंने इसको ज्योग्राफी में भी बताया है, जिसने सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण करने का कानून बनाया 1952 में, 51 या 52 है, उसमें पहला जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाने वाला सारे विश्व में भारत पहला राष्ट्र था। और जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है, वहां पर जनसंख्या में वृद्धि दर अपेक्षाकृत उत्तर भारत के अच्छी दर्ज की गई, वहां पर जनसंख्या में वृद्धि कम हुई, उत्तर भारत में तेजी से हो रही थी, उत्तर भारतीयों ने उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया लेकिन दक्षिण भारतीयों ने नहीं लिया। लेकिन 1971 के बाद ये देखने को मिला कि जनसंख्या में एक बड़ा गैप आने लगा है, उत्तर भारत की जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ी 10 साल में और दक्षिण भारत की उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। अब अगर हम जनसंख्या उसके बाद की यानी 1981 की लेते तो ये दक्षिण भारत के राज्य को हतोत्साहित करने वाली बात होती और उत्तर भारत के लोगों की पीठ थपथपाने वाली बात होती, भाई बहुत बढ़िया आपने जनसंख्या बहुत बढ़ा दी, देश का भंडाधार बढ़ा दिया। तो यहां पर जब ये प्रश्न आया 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने, तो उन्होंने 1977 में एक कानून पास किया और संविधान में संशोधन किया 55 में, अनुच्छेद 55 में ये चेंज किया और कहा कि जो राज्य की जनसंख्या ली जाएगी इसको आधार वर्ष 1971 माना जाएगा, इसका आधार वर्ष 1971 माना जाएगा और 21वीं सदी की प्रथम जनगणना तक यही माना जाएगा। 55 में संविधान अनुच्छेद में क्या संविधान संशोधन किया गया कि उस राज्य की जनसंख्या वाला जो कॉलम है उसमें 1971 की जनसंख्या आधार जनसंख्या मानी जाएगी और 21वीं सदी की प्रथम जनसंख्या तक यही रहेगा, यानी कि 21वीं सदी की प्रथम जनसंख्या कब होनी थी, 2001 में होनी थी। यानी कुल मिलाकर इंदिरा गांधी जी ने 1971 से लेकर 2001 तक आधार वर्ष 1971 ही बना दिया जनसंख्या का। अब 2001 आ गया, अटल जी की सरकार थी तो अटल जी की सरकार ने यहां पर एक संविधान में संशोधन किया और 84वां संविधान संशोधन किया 84वां 2001 में 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा इस सन को यानी कि बाद वाली सन 2001 को बढ़ाकर 2026 कर दिया गया, यानी कि 2026 तक राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए जो राज्यों की जनसंख्या ली जाएगी उसका आधार वर्ष 1971 ही माना जाएगा, यानी कि 2026 तक कोई भी चेंजेस नहीं होने हैं, 2026 तक कोई भी चेंजेस जनसंख्या को लेकर नहीं होने हैं, 1971 वाली जनसंख्या को आधार जनसंख्या मानी जाएगी। जो वैल्यू आपको यहां पर 208 7 या 176 बिहार के 175 ये 1971 से यही चली आ रही है, बिल्कुल इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, क्लियर। तो ये क्या हुआ, उस राज्य के एक एमएलए के एक वोट की कीमत आपके सामने आ गई। अब प्रश्न आता है कि ठीक है राज्य तो हो गए, राज्य तो हो गए, दोनों दूसरा तीसरा भाग हो गए, संसद के मेंबर्स के एक वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो इसको भी संविधान सभा ने बहुत अच्छी तरह सॉल्व करा कि सारे सांसद के मत की वैल्यू बराबर सभी राज्यों के विधानसभा के जितने भी एमएलए हैं उनके मत की वैल्यू, मतलब क्या होगा कि मान लीजिए 776 तो हमारे एमपी हैं, एक के मत की वैल्यू मान लीजिए एच है, तो 776 इंटू एच क्या हुआ पूरे सांसदों के मत की वैल्यू, और इसको बराबर रख दिया उन्होंने सभी राज्यों के एमएलए के मत की वैल्यू, यानी कि 208 एक एमएलए की मत की वैल्यू है तो 208 गुणा उत्तर प्रदेश के जितने एमएलए हैं उनकी मल्टीप्लाई करो प्लस दूसरे राज्य प्लस तीसरे राज्य प्लस चौथे राज्य, इस तरह करते करते 31 राज्यों के
29+2 दिल्ली और पुदुचेरी 29+2 31 राज्यों के सभी एमएलए के मत का टोटल, यानी कि 31 राज्यों के एमएलए के मत का टोटल कुल वैल्यू नहीं समझ में आई होगी, क्लियर कर दूं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का हमने निकाला, उत्तर प्रदेश के एक एमएलए के एक मत की वैल्यू गुणा सारे एमएलए प्लस बिहार के इसी तरह निकालेंगे प्लस झारखंड प्लस मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान तमिलनाडु सारे राज्य 31 राज्यों के सभी एमएलए के मत का वैल्यू का टोटल ले लिया हमने, ठीक है। तब एक एमपी के वोट की वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि हम इसको 776 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि सभी राज्यों के एमएलए के मत के वैल्यू का टोटल डिवाइड कर देंगे हम इसको 776 से 776 से, तब हमारे एक एमपी के वोट की वैल्यू निकल आएगी और गणना द्वारा ये 708 आती है 708। पॉइंट वाइज कुछ है उसको हम छोड़ देंगे, 708 निकलती है एक एमपी के मत की वैल्यू 708। हमने यह देख लिया कि किस तरह ये अनुच्छेद 58 में क्या योग्यता होनी चाहिए, अनुच्छेद 54 ने पढ़ लिया कि जो इलेक्टोरियल बोर्ड होगा निर्वाचक मंडल होगा उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन है क्योंकि अब प्रत्यक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति का। हमने अनुच्छेद 55 में उसका प्रोसीजर पढ़ा कि वर्तमान में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक चाहिए और कितनी धनराशि चाहिए जमानत राशि, एक एमएलए के मत की वैल्यू देखी एक एमपी के मत की वैल्यू देखी। कुछ प्रश्न है यहां कि ये जो जमानत राशि है 15,000 रुपए, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि जमानत राशि जब्त हो गई, ये जमानत राशि जब्त होती कैसे, जमानत राशि जब्त होने का जो नियम है वो ये है कि किसी भी उम्मीदवार के लिए टोटल जितने भी वैध मत है उसका अगर 1/6 हिस्सा नहीं मिलता है, टोटल वैध मतों का 1/6 हिस्सा अगर नहीं मिलता है तो उसकी ये वाली जमानत राशि जो 15,000 रुपए है ये जब्त कर ली जाएगी। और जब्त करने के बाद जाएगी कहां पर, किसके पास जाएगी जमानत जब्त होने के बाद, ये राशि सबकी सब जमा होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आरबीआई, कहां जब्त होती है आरबीआई, ठीक है। तो अगर वह व्यक्ति वह उम्मीदवार 1/6 वोट हासिल नहीं कर पाता है टोटल वोट का तो उसकी ये जमानत राशि जो कि 15,000 है वर्तमान में 15,000 है इसको जब्त कर दिया जाएगा और ये जब्त होकर कहां पहुंचेगी, ये जब्त होकर आरबीआई के पास पहुंचे, आरबीआई के पास इकट्ठी हो जाएगी। तो आज हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 58 पढ़ा, 54 पढ़ा, 55 पढ़ा। नेक्स्ट में हम चर्चा करेंगे कि इनका निर्वाचन होता कैसे, कौन देगा वोट ये हमको मालूम है, उनके वोट की कीमत क्या है ये हमको मालूम है, उम्मीदवार में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए ये हमने पढ़ लिया, अब इनकी काउंटिंग कैसे होती है और इनकी वोटिंग कैसे होती है ये थोड़ा सा एक कठिन प्रोसीजर है। और एक वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि एकल संक्रमण या हस्तांतरीय स्थानांतरीय मत प्रक्रिया भारत के राष्ट्रपति चुनाव में की जाती है, तो हम उस पर डिटेल में बात करेंगे कि कितने प्रकार का मतदान होता है और कितने प्रकार की काउंटिंग होती है, उस पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और थोड़ा सा कंपेरिजन करेंगे यहाँ पर अमेरिका के चुनावों से, अमेरिका के चुनाव की प्रक्रिया से, और देखेंगे कि हम किस प्रकार वहां से अलग हैं, किस प्रकार हम वहां से जुड़े हुए हैं।
कुछ भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में भी रोचक चीजें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखते रहिएगा पंचऋषि क्लासेस के लिए, जल्दी ही वो आपको उपलब्ध होगी। तब तक हमने आज राष्ट्रपति पर परिचर्चा की, चर्चा की, तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।